गाइस नमस्ते, वापस आपका स्वागत है आपके अपने हमारे चैनल फ्यूचर गेम पे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं टीम, दो टीम में आपको बताऊंगा, दबंग दिल्ली वर्सेस गुजरात फॉर्चून जाइंट में जो कि कल मुकाबला है उसकी टीम में आपको बताऊंगा। तो देखते रहिए आगे वीडियो को, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज हम डालेंगे आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगी और आप भी हमारे चैनल को सबसे पहले देख पाएंगे। और वीडियो देखकर अपनी हाईएस्ट विनिंग बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। तो हमारी पहली टीम है, ये हमारी पहली टीम है। तो हमने कौन कौन से लिए हैं प्लेयर वो मैं आपको बता देता हूँ, कितने लोगों ने भी इन प्लेयर को लिया है अभी तक वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट्स गो गाइस। सबसे पहले माय फेवरेट प्लेयर रविंद्र पहल हमारी टीम में रहेंगे, ऑब्वियसली ये मेरा फेवरेट प्लेयर है और दबंग दिल्ली के साथ इस साल कैप्टन भी है क्योंकि अगले साल दबंग दिल्ली ने इनको नहीं किया था रिटेन, इसलिए वो बेंगलुरु बुल्स में चले गए थे, लेकिन इस साल दबंग दिल्ली ने वापस रविंद्र पहल को अपनी टीम में लिया है। सबसे होनहार डिफेंडर अभी तक 73.15% लोगों ने लिया है इनको। उसके बाद आते हैं सुनील, एक ऑप्शन अच्छे हैं आपके लिए जो भी जो कि 37% लोगों ने लिया है। उसके बाद जोगिंदर नरवाल एक अच्छा ऑप्शन है लेकिन ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं इसलिए आप इनको नहीं लेते अच्छे। विशाल माने आ गए दबंग दिल्ली में, तो अब दबंग दिल्ली का जो डिफेंस है बहुत ही मजबूत हो चुका है, तो आप कोशिश यही कीजिएगा कि गुजरात फॉर्चून जाइंट के कम से कम प्लेयर लेने की कोशिश करें क्योंकि इसमें रविंद्र पहल भी है, विशाल माने हैं और अब ये भी इनकी टीम आ चुके हैं, तुषार भोरे इनका नाम है। और गुजरात में देखा जाए तो परवेज बहसवार आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं इसमें, और कोई अच्छे पिक इसमें देखें तो सचिन एक अच्छे पिक हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। उसके बाद ऑलराउंडर में गए तो ऑब्वियसली मिराज शेख ईरानियन प्लेयर बहुत ही अच्छे पिक हो सकते हैं। उसके बाद दबंग दिल्ली ने राजेश नरवाल को भी ले लिया है जो कि 46% लोगों ने इनको लिया है। उसके बाद आपके लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं रोहित गुलिया जो कि पिछली बार इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था पीकेएल में। उसके बाद तापस पाल एक एडिशनल ऑप्शन हो सकते हैं आपके। उसके बाद रेडर्स की बात करें तो सचिन बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, पिछली बार फॉर्चून जाइंट के लिए बहुत सबसे ज़्यादा पॉइंट इन्होंने लाए थे इन्होंने, और इनका क्या नाम है रोहित गुलिया, दोनों को मिस मत कीजिएगा अपनी टीम में। उसके बाद सब्बीर बापू आ गए हैं अपनी टीम में दबंग दिल्ली में, इनको भी ज़्यादा लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लोगों ने लिया है सब्बीर बापू, ये भी ज़्यादा महंगे नहीं है लेकिन इनको बहुत सारे लोगों ने लिया है, नेट नहीं चल रहा भाई। तो अब देखते हैं कि प्रपंजन भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, इन्हें भी 28.67% लोगों ने लिया है के प्रपंजन भी आपको अच्छे पॉइंट दिला सकते हैं, ये भी ज़्यादा महंगे नहीं है 14.4। सब्बीर बापू को 61.6% लोगों ने लिया है। उसके बाद पवन कुंवर भी आपके लिए, कुमार भी एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, ये भी अच्छा खेलते हैं। उसके बाद आते हैं अजय कुमार जो कि पहले बेंगलुरु बुल्स में थे, अब गुजरात फॉर्चून जाइंट ने इनको ले लिया है तो अब ये भी हो सकते हैं, लेकिन इनकी जो टेक्निक्स है वो रविंद्र पहल को मालूम है क्योंकि दोनों पहले एक सेम टीम में थे। उसके बाद आते हैं महेंद्र राजपूत, ये भी अच्छे पिक हैं आपके लिए, बहुत ही लंबे हाइट के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा पॉइंट दिला सकते हैं आपको। उसके बाद ज़्यादा तो कुछ नहीं है, धर्मेंद्र आप चाहें तो ले सकते हैं, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से प्लेयर आप पिक कर सकते हैं। अब इनमें से मैंने आपके लिए एक टीम बनाई है, अब देखते हैं ये टीम मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे विशाल माने लिया, रविंद्र पहल लिए, दोनों के दोनों डिफेंडर्स हमारे किसके हैं दबंग दिल्ली के। ऑलराउंडर्स में चले तो रोहित गुलिया बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मिराज शेख अच्छे प्लेयर है, सब्बीर बापू के प्रपंजन भी, महेंद्र राजपूत एक अच्छे पिक हो सकते हैं। तो ये हमारी टीम है, हमने यहाँ पे सचिन को लिया, सचिन को हमने दूसरी टीम में लिया क्योंकि वो महंगे हैं, हमें रविंद्र पहल और विशाल माने दोनों चाहिए क्योंकि दोनों को मिस मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छे डिफेंस हो गया अब। तो अब देखते हैं सेव टीम करके कैसे हमारी टीम दिख रही है, 2-2+3 का ऑप्शन के साथ हम गए हैं, विशाल माने रविंद्र पहल दोनों डिफेंडर्स, रोहित गुलिया के प्रपंजन एंड महेंद्र राजपूत, तीन गुजरात फॉर्चून जाइंट के और चार प्लेयर दबंग दिल्ली के। सब्बीर बापू को मिस मत कीजिएगा, मिराज शेख चारों मेन दिल्ली के प्लेयर ले लिया, इसमें चारों चांसेस ये हैं कि दबंग दिल्ली गुजरात फॉर्चून जाइंट को एक अच्छे मार्जिन से हरा सके। तो चलिए चलते हैं सेकंड टीम की तरफ। तो सेकंड टीम हमारी ये है, अब रविंद्र पहल इसमें हमने मिस नहीं किया उनको भी, विशाल माने ऑब्वियसली दोनों बेस्ट डिफेंडर्स,
अब हम यहाँ पे गए सचिन विट्टाला के साथ, ये क्योंकि गुजरात फॉर्चून जाने में आपको डिफाइन करते हुए दिखाई देंगे। ये न्यूज़ आ रही है कि खेलेंगे और ये राइट हैंड के कवर या लेफ्ट हैंड के कवर में आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। हमने यहाँ पे राजेश नरवाल को लिया, आप चाहे तो राजेश नरवाल को छोड़ के रोहित गुलिया को ले सकते हैं। राजेश नरवाल भी एक अच्छे पिक हो सकते हैं, आप चाहे तो रोहित गुलिया की जगह राजेश नरवाल को ले सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ऑप्शन दूंगा कि रोहित गुलिया से ज़्यादा अच्छे पॉइंट राजेश नरवाल आपको दिला सकते हैं, क्योंकि जो गुजरात फॉर्चून जायंट का जो डिफेंस है बहुत ही कमजोर है। वहीं दबंग दिल्ली के डिफेंस में देखो तो रविंद्र पहल आपको दिखाई देंगे, जोगिंदर नरवाल दिखाई देंगे, विशाल माने और ये तुषार भोरे भी आपको दिखाई देंगे। तो इसलिए आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेडर्स है वो दबंग दिल्ली के लिए, आप चाहें तो रोहित गुलिया को ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर राजेश नरवाल को लेकर चलूंगा। इसमें हमने सचिन को लिया, सब्बीर बापू हमारे साथ है इसमें, और बस दो ही हमने रेडर्स लिए हैं इसमें। आप चाहे तो अगर आपको राजेश नरवाल चाहिए, आप चाहे रोहित गुलिया और सचिन, आपको दोनों ही चाहिए अपने टीम में, तो आप यहाँ से जाके सचिन को हटा के 12.5 आपके पास बचेगा। फिर आप और किसको पिक कर सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। फिर आप चाहे तो योगेश हुड्डा भी शायद ना खेलें इसलिए हमने नहीं लिया है। आप चाहे तो किसी गुजरात के प्लेयर को लेने की कोशिश कीजिएगा, आप चाहे तो धर्मेंद्र को ले सकते हैं, वो भी अच्छे पिक हो सकते हैं, या यशवंत बिश्नोई, ये नहीं खेलेंगे, धर्मेंद्र खेलेंगे ये न्यूज़ आ रही है। तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप डिफेंडर्स के साथ जाएं, सचिन विटाला के साथ जाएं, अगर आपको इनको लेना है। रोहित गुलिया को मैं तो कहूँगा राजेश नरवाल को ले लीजिए आप, मैंने आपको दोनों लेके बता दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट करके देखते हैं। तो कैप्टन हम रखेंगे मिराज शेख को, सचिन को कैप्टन इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि डिफेंडर्स में रविंद्र पहल, विशाल माने जैसे प्लेयर हैं, और मिराज शेख भी है, राजेश नरवाल भी डिफेंस कर लेते हैं, और सब्बीर बापू तो हैं ही। तो चलिए चलते हैं, अब आपको टीम दिखा देते हैं, दोनों टीम अब दिखा देता हूँ। पहली सेकंड टीम यही है, इसमें हमने 3-2-2 ऑप्शन के साथ गए हैं। हमने इसमें एक रेडर की जगह एक डिफेंडर ले लिया है गुजरात फॉर्चून जायंट का। तो इन दोनों में से जो भी आपको टीम अच्छी लगी आप उसको लगा सकते हैं। वैसे मैं तो कहूँगा कि आप फर्स्ट टीम या सेकंड टीम कुछ भी टीम लगा लीजिए, वो आपको ज़्यादा फर्क नहीं देगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।